नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो रेसिपी है ना, वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। यानी जब मैं कॉलेज जाया करती थी तब भी मेरी फेवरेट थी, अब भी है और आगे भी हमेशा ही रहेगी। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा, है ना? कोई तो एक होगी जो आपकी ऑल टाइम फेवरेट होगी। तो चलिए, आज ये रेसिपी मैं आज आपके साथ ना शेयर करती हूँ। तो इसके लिए एक छोटी कटोरी तुअर दाल में थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के मैंने बॉईल होने को रख दिया, और एक कटोरी में थोड़ी सी इमली लेके उसे भीगने के लिए रख दिया है। अच्छा, हमारे यहाँ ना कद्दू को काटा नहीं जाता, यानी कि पहले उसे हम फोड़ते हैं ऐसे हाथ से ज़मीन पे देख के, और उसके बाद में हम उसमें नाइफ़ का यूज़ करते हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? शायद होता होगा, क्योंकि है तो हम सब इंडियन ही ना। तो कहते हैं कि वनवास के दौरान माता सीता ने और राम ने इसी को काफ़ी यूज़ किया था। तो इसके भी हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरीके से। इसी के साथ मैंने कुछ और सब्जियां भी ली हैं, जैसे बैंगन और घिया। तो इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। पता है, ये मेरी इतनी फेवरेट है कि कॉलेज टाइम में ना, जब सब हम लोग कैंटीन जाया करते थे, तो मेरी फ्रेंड्स तो छोले भटूरे या पाव भाजी वगैरह लेती थी, और मैं हमेशा इस डिश को खाया करती थी, हमेशा। और ये मेरी आज भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप ये कहेंगे ना कि रात को 12 बजे, तो मैं इसे रात को 12 बजे भी खा लूँगी, इतनी मेरी फेवरेट है ये। तो अब यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसके अंदर हमने डाले हैं थोड़े से सरसों के दाने, यानी मस्टर्ड सीड्स, और वो डाल करके हमें यहाँ पे ये सब्जियाँ डाल देनी है। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ज़्यादा मोटी मैंने नहीं काटी है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं। अब यहाँ पे ये 2 चम्मच मैंने एक मसाला डाला है, और इस मसाले को डाल करके ही आपको ये सब्जियाँ पकानी हैं। अब ये मसाला क्या है, यही सीक्रेट है, इसे मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब थोड़ा आप ना 10 मिनट तक इस सब्जियों को पकने दीजिए, ये इस तरीके से। ये देखिए, सारी जो सब्जियां हैं ना, और थोड़ा सा मैंने पानी डाला ही था यहाँ पे, तो मसालों का फ्लेवर जो है ना, अपना पक करके बहुत अच्छा यहाँ पे आ जाएगा। और सब्जियाँ भी मेरी गल गई हैं, तो इनको हम उतार लेते हैं। अब बारी आती है तुअर दाल की। ये देखिए, जो तुअर दाल है ना, ये इस तरीके से हमारी काफ़ी अच्छे से घुट गई है, और जो सब्जियां थी वो भी हम यहाँ पे इसी के अंदर मिक्स कर देंगे, ये इस तरीके से। अब मिक्स करने के बाद में आप चाहें तो सब्जियों को थोड़ा सा घुट भी सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा खड़ी खड़ी सब्जियाँ अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पर तो क्योंकि सब ये दाल थोड़ी गाढ़ी है, और इसमें हमने सब्जियाँ भी मैश कर दी हैं, तो थोड़ा सा गर्म पानी हम यहाँ पर डालेंगे, लगभग आधा जग, है ना, या हम कह सकते हैं आधा लीटर। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी है, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च है। हींग यहाँ पे हमें डाल लेनी है थोड़ी सी, और इसको अच्छे से मिला करके इसको हमें पकने के लिए रख देना है। साथ ही जो इमली हमने भिगोई थी ना, उसका पल्प हमें निकाल लेना है, और एक जो लिक्विड, जो प्यूरी हमारे पास में होगी, उसको हमें इसके अंदर डाल देना है। अब इसे हमें जो है लगभग पकाना है 10 से 15 मिनट। 15 मिनट तो ज़रूर पकाइए धीमी फ्लेम पे। अब एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल लीजिए, और उसके अंदर डाल देनी है हमें मस्टर्ड सीड्स। तो अब तक शायद कुछ कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यहीं पे हम डाल देंगे फ्रेश करी लीव्स, यानी करी पत्ता। आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि शायद मैं क्या बनाने जा रही हूँ, और यहीं पे हमने डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्चें। मुझे ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो पसंद है नहीं, तो मैं इसको बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बनाती हूँ, बहुत कम मसाले के साथ में। और जो ये मैंने मसाला डाला है ना, ये अपने आप में कम्प्लीट है। इसे डालने के बाद में आपको और बहुत सारे मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब उसी के अंदर से लेकर के थोड़ी दाल और जो सब्जी हमने मिक्स की थी ना, उनको हम यहाँ पे डाल देंगे, और ये हमारा लग गया तड़का। अब इस तड़के को हम वापस से उसी कुकर के अंदर डाल देंगे। अब इसे डालने के बाद में फिर से आपको 5 मिनट के लिए पका लेना है, और उसके बाद में इसे सर्व कीजिए। अब इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया।
इसे चाहे तो आप डोसे के साथ में या इडली के साथ में, लेकिन मैं हमेशा इसको इडली के साथ में ही खाना पसंद करती थी। अब जो 2 चम्मच मैंने पाउडर डाला था वो डाला था मैंने सांभर मसाला। कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, समय हो चला है अब आपसे विदा लेने का। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।